पठान की बम्पर एडवांस बुकिंग 4,30,000 टिकट बिके। एक फैन ने पूरा थिएटर किया बुक। कोरोना काल से बंद 25 थिएटर्स भी खुलेंगे। शाहरुख खान की फिल्म पठान कल बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही है। सारे विवाद और बॉयकॉट ट्रेंड के बावजूद फिल्म को बम्पर एडवांस बुकिंग शुरू मिली है। पहले ही दिन 1,71,000 टिकट बुक हुए। 24 जनवरी की सुबह तक यह आंकड़ा 4,30,000 के आसपास पहुंच गया। एडवांस बुकिंग के मामले में पठान सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बन गई है। इससे आगे केवल KGF 2 है, जिसके 5,00,000 से ज्यादा एडवांस टिकट बुक हुए थे। ट्रेड एनालिस्ट और फिल्म क्रिटिक सुमित कड़ेल के मुताबिक पठान KGF 2 के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकती है। मुंबई में शाहरुख के एक फैन ने 25 जनवरी के पहले शो के लिए पूरा थिएटर बुक कर लिया है। इसके टिकट एसिड सर्वाइवल लड़कियों और शाहरुख के फैंस को बांटे जाएंगे। इसी बीच ट्रेड एनालिस्ट तरुण आदर्श ने सोशल मीडिया पर एक बड़ा अपडेट भी दिया है। पठान की रिलीज के साथ देशभर के 25 ऐसे सिंगल स्क्रीन थिएटर दोबारा शुरू हो रहे हैं जो कोरोना काल में बंद हो गए थे। फिल्म हिट होगी या फ्लॉप ये तो अगले 4-5 दिन में साफ हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से पठान की एडवांस बुकिंग हुई है इससे ये स्पष्ट हो गया है कि लंबे समय के बाद किसी बॉलीवुड फिल्म को बम्पर ओपनिंग मिलने की उम्मीद है। ट्रेड एनालिस्ट का अनुमान है कि पठान के पहले दिन की कमाई 45 करोड़ के आसपास रह सकती है। पहले 2-3 दिनों में ही फिल्म 100 करोड़ की कमाई का आंकड़ा छू लेगी। फिल्म के पहले टीजर से शुरू हुए बॉयकॉट ट्रेंड, फिर बेशरम रंग गाने में दीपिका की भगवा बिकनी पर विवाद ने फिल्म को काफी सुर्खियों में रखा। पहली बार ऐसा हुआ है कि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण ने अपनी किसी फिल्म के प्रमोशन में हिस्सा नहीं लिया। दोनों एक्टर्स ने ना तो मीडिया को इंटरव्यू दिए, ना ही टीवी चैनल्स के किसी शो में पठान को प्रमोट करते दिखे। 4 साल बाद शाहरुख खान बतौर हीरो बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। इस मौके पर बेशरम रंग गाने के विवाद से लेकर शाहरुख दीपिका के पिछले 10 साल के फिल्मी कैरियर में उतार चढ़ाव आए। फिल्म पठान को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। हाल में खबर आई कि मुंबई में रहने वाले शख्स अमीर मर्चेंट ने फिल्म पठान रिलीज पर एसिड विक्टिम्स के लिए पूरा थिएटर बुक कर लिया है। एसिड विक्टिम्स के अलावा कुछ सीट शाहरुख खान के डाई हार्ड फैंस के लिए भी हैं। ऐसा पहली बार होगा जब गैलेक्सी थिएटर में सुबह 9 बजे का शो रहेगा।